अजमेर में पत्र सूचना कार्यालय की ओर से क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों से वार्तालाप किया गया। सम्मेलन में सांसद भागीरथ चौधरी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। वहीं जिला कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने किसी भी खबर को छापने से पहले संबंधित विभाग से प्रमाणित करने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के डीआईजी अनिल कुमार सिंह ने मीडिया में तथ्यात्मक खबरें प्रसारित करने की बात कही। मैं कह रहा हूँ, गरीब को गणेश मानकर जो योजना बनी है, जो मोदी जी के 10 साल में, वो बेमिसाल है। 182 योजना ऐसी है जो केंद्र सरकार की है, जो गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि 2019-24 तक बात करें, इतनी वैश्विक महामारी आने के बावजूद भी आज ये देश प्रगति कर रहा है। मोदी सरकार की गारंटी के काम हो रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जो काम 10 साल में किया है, वास्तव में बेमिसाल है। और उससे हमारा देश का तो भला हुआ ही है। आम जनता, 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें बहुत पॉजिटिव संवाद हुआ। इसमें कई इश्यूज जो आप लोगों ने जो मीडिया की तरफ से रेज हुए, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो हम अपने स्तर पे अटेंड कर सकते हैं। हमारी स्पीच में जो हमने और हमारे जो अन्य आज यहाँ पे लोग आए थे, अतिथि लोग आए थे, उन्होंने जो कंसर्न्स रेज किए, अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना की जाए, और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको भी पॉजिटिवली एनालाइज करते हुए सजेस्टिव मोड में आपकी पत्रकारिता हो, उसकी क्रिटिसिज्म कम से कम हो।